मान लीजिए परिवार पर दबाव हो सकता है कि कोई नहीं गया, मीडिया के लोग तो जो ये कह रहे थे कि भाई एनकाउंटर फर्जी है, वो जाते आयोग के पास, बड़ा आयोग था। निशान जी, मुझे तो देखिए, आप इतने अच्छे पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आपके चैनल पे आके कोई ये बोले कि मीडिया या लुटियन मीडिया, मैंने आपको ही गाली दे रहा और आप गाली सुन रहे हो, तो कम से कम आप तो गाली मत सुनो। लुटियन मीडिया, आप भी तो लुटियन में, सभी सर, लुटियन में आप खुद कितनी बार डिबेट में आप खुद बोल कर जाते हैं कि मीडिया बिक गई, मीडिया ये हो गई। मैं तो आपको भी सुन लेता हूँ, मैं अपनी बात कह लो। नहीं, मैं तो कभी आपसे नहीं बोलता, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार। आप, मैं अपनी बात कह लो। देखिए, माफिया का शब्द जो इस्तेमाल हो रहा है, माफिया भाषा का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए, सदन में खड़े होके इनके सरकार के कैबिनेट मंत्री माँ का दूध पिया हो तो हमें बताओ, ये शब्द है माँ का दूध पिया हो, ये शब्द है माफियागिरी नहीं तो क्या है, ये रामराज है क्या? आप धमका रहे हो सदन के अंदर, माँ का दूध पिला रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, उसी समय बर्खास्त कर देना चाहिए, रहने लायक नहीं है सदन के अंदर में। जिस तरह का आप यहाँ पे लोगों को डरा धमका रहे हो, माँ का दूध पिला रहे हो, कमाल की बात करते, ये भाषा शैली होगी आपकी? ऊपर से आपके यहाँ 114 विधायक ऐसे हैं जिसपे संगीन मुकदमे हैं, हटाओ फेंको बाहर उनपे, बुलडोजर चलाओ, हिम्मत है तो, और सीएम डिप्टी सीएम पे बुलडोजर चलाओ, उनपे भी अपराधी मुकदमे हैं, अपने अपराधी मुकदमे 20-20 हजार अपराधी मुकदमे खुद ही हटा ले रहे हो, कैसे अपराधियों को आपने सत्ता सौंप रखी है ये बताइए ना। मैं तो आपके राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछता हूँ, क्या इनके अपराधी मुकदमे नहीं है? 114 विधायक आप कैसे हैं? और जो मंत्री सदन में खड़े होकर माँ का दूध पिलाने की बात कर रहा है, जो मुंह काला करने की बात करते हैं इनके सदन के, इनके वरिष्ठ मंत्री, क्या ये मंत्री रहने लायक है? ठीक है, पहले आप अपनी भाषा देखो क्या है। मनीष शुक्ला जी, उनका कहना है अगर आप इतने इतना इतना अपराधियों को कम करने पर हैं तो फिर अपने ऊपर भी काम कीजिए। देखिए, आज हमारे लोकतंत्र के लिए इतनी चिंता इनके मन में देख के मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। समाजवादी पार्टी, बताओ हमारी चिंता, जो माननीय उच्च न्यायालय पर हमला कर चुके हैं, सदन में क्या कह रहा है, विधानसभा में मारपीट कर चुके हैं, समय में जो समाचार पत्रों की प्रतियों को जला चुके हैं, ये लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर हमला करने वाले लोग आज लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं। तो क्या है, हिटलर शाही चला रहा है, संपत्ति जब्त करेंगे, जो ये जो खाल दूसरी ओर रहे हैं, जनता समझ रही है, चिल्लाइए मत। क्या राज चला रहा है आपके गुंडा राज चला रहा है, आपके सवालों में आपके मंत्री गुंडा के पीछे रहेंगे, आपके मुख्यमंत्री गुंडे राज का इस्तेमाल करेंगे, क्या हम यहाँ पे छुट्टी कर देंगे? अरे नहीं, ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी, कोई बैठ की कमी बोलेगा, हॉस्पिटल में व्यवस्था की नहीं बोलेगा, आप उसमें बुलडोजर चलाने की बात करेंगे, एनएसएम की बात करेंगे, अनुराग जी, अनुराग जी जवाब सुन लीजिए, अनुराग जी वो कह रहे हैं अगर आपके आपके आपने आरोप लगाए तो उनका जवाब सुन लीजिए। मनीष जी जवाब दीजिए, पहले सुशांत जी को अनुराग भाई, अभी तक अच्छी डिबेट चली है, अनुराग भाई अभी तक अच्छी डिबेट चली है, आप आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब सुनिए। ये जनता जानती है, शब्दों का इस्तेमाल ये जनता जानती है, भदौरिया जी अगर बोलेगा झूठे सवाल कर रहे थे, जवाब मिलने के लिए तैयार नहीं हो, शर्म मारनी चाहिए, हल्ला मत मचाओ, शोर मत मचाओ, गुंडा सरकार, ये हल्ला गुंडा सरकार का दफ्तर नहीं है, समाजवादी पार्टी का दफ्तर नहीं है, वहाँ ये सब चलता होगा, ये गुंडागर्दी सुन लीजिए, माफिया की सरकार, सुन लीजिए, लोकतंत्र के लिए चिंतित मत होइए, लोकतंत्र तभी तक बचेगा जब तक सपा जैसे लोग बाहर रहेंगे, आपकी सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं है, वर्षों तक गूंज याद आएगी, चिंता मत करो। सुशांत जी, उत्तर प्रदेश, सुशांत जी एक मिनट, ये अनुराग भदौरिया का जो तरीका है डिबेट को डिबेट करने का, ये सब लोग जानते हैं। अनुराग भाई देखिए, सब लोग सुन रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं उसका जिससे जवाब मिलना चाहिए वो कोशिश है।